मैंने पहले खेला हुआ है, तो मैं बोला कि चलो जो लोग न्यू कॉम्पीट करने वाले हैं उनके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं कुछ शेयर कर दूँ, मैं बता दूँ, ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो लोग फर्स्ट टाइम कॉम्पीट करने जा रहे हैं या जो लोग अभी ये कोविड टाइम पे आ रहे हैं कॉम्पीट करने के लिए। तो ये लाइव करने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो लोग कॉम्पिटिटर, जो लोग मेरे भाई लोग जो आएंगे कॉम्पिटिशन खेलने के लिए, उनको जस्ट मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ आप करके रखिएगा। अगर आप दूसरे सिटी से आ रहे हैं, ठीक है, या आप मुंबई से भी हैं, तो भी सबसे पहला चीज़ आपके पास आपका RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है तो फिर आपको जो होता है आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दूसरा चीज़ हो गया, मैंने पॉइंट लिख के रखे हैं। और तीसरा चीज़, आप जिस भी कैटेगरी में आप खेल रहे हो, लाइक जैसे मैं मेंस फिजिक में खेल रहा हूँ, तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर आप क्लासिक में खेल रहे हो, बॉडी बिल्डिंग में खेल रहे हो, जिस भी कैटेगरी में खेल रहे हो, उसका आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जो भी उसका अमाउंट है। मैंने जब कराया था काफ़ी टाइम पहले तो कुछ 10,000 था, अभी शायद बढ़ा हुआ है। तो एक तो वो रजिस्ट्रेशन हो गया, और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ NPC का रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप NPC का रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराए रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे DM करके पूछ रहे हैं कि ये कराना ज़रूरी है क्या? यस, आपको कराना ज़रूरी है, मैंने भी कराया है। और अगर जैसे मान लो कि आप तीन कैटेगरी में खेल रहे हो, आप क्लासिक में खेल रहे हो, मेंस फिजिक में खेल रहे हो, बॉडी बिल्डिंग में खेल रहे हो, तो आपको तीन रजिस्ट्रेशन तो वो अलग से कराना होगा, और NPC का सिर्फ आपको एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो आपका एक दो रजिस्ट्रेशन वाला दो चीज़ हो गया क्लियर। और मैंने जो लिखा हुआ था वो ये था, टैनिंग। तो टैनिंग आप अपना बुक कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम अपना टैनिंग कराया था जो वहाँ पे होता है प्रो टैन, बैक स्टेज में सुहेल भाई हैं, उनकी टीम है। मैं यहाँ पे जो होता है उनको टैग कर दूंगा, या कमेंट्स में उनका नाम ये डाल दो, उनका नाम डाल दूंगा। खोलो इसको, मतलब कुछ इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। और हाँ, कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वहीं से टैनिंग कराना है, आप खुद से भी अपना कर सकते हो। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर कंफर्ट, आप जो होता है सोहेल भाई से कराओगे तो वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग मशीन से करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से स्किन पे कोट चढ़ जाता है। तो अगर आप टैनिंग के लिए बुक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि तीन को ती, ये कैसे खुलेगा, बार बार बंद हो जा रहा है। तीन को जो होता है आप पहला कोट कराओगे जिस दिन रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन वाले दिन आपको क्या करना होगा, आपने पेमेंट वेमेंट सब कुछ कर दिया है, उसके बाद भी आपको जो होता है बैक स्टेज पे यानी कि ग्रीन ग्रीन रूम पे आपको जाना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कहाँ पे है, वहाँ से आप अपना ट्रंक नंबर ले सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आप खेलोगे ट्रंक नंबर आपका हो जाएगा, और सारा जो भी फॉर्मेलिटी होगा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से आप जब वापस आओगे तो आप पूछोगे कि भाई टैनिंग कहाँ हो रहा है, तो आपको बताएंगे कि टैनिंग यहाँ यहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पे आपका जो होता है मतलब अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, या पहले ही आप कॉल पे कंफर्म करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो तीन को भी एक बार आप ओवरनाइट कराओगे, ओवरनाइट कराने के बाद, और जिस दिन आप टैन कराओगे, ये जरूरी से आप नोट कर लो, पूरे के पूरे आप अपने बालों को जो होता है क्लीन कर लेना अच्छे से, जो होता है आप बाथ ले लेना, स्वेट वेट रहेगा तो अच्छे से पकड़ेगा नहीं, बाथ ले लेना, और स्क्रब करोगे तो और अच्छा रहेगा। जितना आपका बदन क्लीन रहेगा उतने अच्छी तरीके से टैनिंग आपको पकड़ेगा। तो टैनिंग आप कराने के बाद ओवरनाइट होता है, फिर नेक्स्ट डे आपको फोर्थ को फिर से आके कराना होगा। तो एक दिन पहले यानी कि तीन को जब आपने टैनिंग कराया, फिर सुबह उठ के आप शावर ले सकते हो, शावर लेने के बाद हल्का फुल्का टैन निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ को आप फिर से आके आप टैन कराओगे तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो ये हो गया टैनिंग का, दूसरा हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का, और मैंने क्या लिखा था, बाकी बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं कि ये शॉट कहाँ पे मिलेगा, बोर्ड शॉट कहाँ पे मिलेगा, क्लासिक का शॉट कहाँ पे मिलेगा। आप सिंपल सा जो होता है अमेज़ॉन पे जाओ, गूगल पे आप टाइप करो, या
आप जिस भी सिटी में हो वहाँ पे क्विक सिल्वर का शोरूम पता कर लो, वहाँ पे आपको मेंस फिजिक का शॉर्ट मिल जाएगा, डीसी का पता कर लो आप, बिल्ला बॉन्ग का आता है उसका पता कर लो आप, जो होता है डेकेथलॉन आपके सिटी में मिलेगा वो पता कर लो। तो देखो जब आप खेलने आ रहे हो कंपटीशन, तो वहां पे बैक स्टेज पे आप जाके आप ये मत हो कि भाई ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। आप कंपटीशन खेलने जा रहे हो, ये एक तरीके से आपका युद्ध है, मतलब आप योद्धा हो, आप रणभूमि में जा रहे हो और आप अपने दुश्मन से बोल रहे हो कि भाई मुझे तलवार दे दो, भाई मुझे भाले दे दो, क्योंकि आप मुझे मारने वाले हो। तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो बैक स्टेज जब आप जाओ तो आप अपने पूरी की पूरी तैयारी में अपना बो शॉट लेके, क्लासिक में हो तो क्लासिक का ट्रंक लेके, अपना टैनिंग वगैरह हर कुछ करके, और उसके बाद अपने साथ टेरा बैंड लेके, जिससे हम लोग पंपिंग करते हैं बैक स्टेज। बहुत सारे लोग इनसे मांगते हैं भाई मुझे दे दो, भाई मुझे दे दो। नहीं, आप अपना कॉम्पीट करने जा रहे हो तो आप अपना सामान आप अपने साथ लेके जाओ। तो अपना टेरा बैंड भी लेके जाना, अपना बोर्ड शॉट भी लेके जाना, अपना टैनिंग का रजिस्ट्रेशन भी करा लेना, एवरीथिंग सब कुछ आप करके जाओ ताकि आपको टेंशन ना रहे। कुछ लोग तो क्या करते हैं बैक स्टेज, बोलते हैं भैया राइस दे दो, भैया स्वीट पोटैटो दे दो। भाई आप कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हो, पूरा का पूरा तैयारी करके जाना आप, तभी आप जो होता है एग्जीबिशन में एंटर करना, और तभी आप डिजर्व करते हो जीतने के लिए। तो और भी चीज़ें मैंने लिखा था, रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया, टेरा बैंड बता दिया, और बाकी अब ये बचे हुए 3 दिन, इन 3 दिनों में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा आपके बॉडी में कि आप बहुत फैट लॉस कर लोगे, बहुत रिप्ड हो जाओगे, बहुत आप ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, नहीं कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट क्या करना है, आप जितना अपने पोजिंग का प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रांग बनाओगे, उतने आप अच्छे दिखोगे, और अच्छी तरीके से अपने आप को स्टेज पे डिस्प्ले करोगे, वही आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप ऐसा परेशान मत होना कि नहीं ये कर लूँ तो बॉडी मेरी बदल जाएगी, ये हो जाएगी। नहीं, ना एक दिन में फैट लॉस होता है, ना एक दिन में मसल गेन होता है, एक दिन में जो होता है वो आपका प्रेजेंटेशन सही होता है। अगर कोई भी बंदा आपको आके आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। आपको क्या करना है, जो बचा कुचा टाइम है उसमें बस अपना पोजिंग का प्रैक्टिस करो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो है बोर्ड शॉट से लेके टेरा बैंड से लेके हर एक चीज़ लेके रखे रहो। इवन क्या करना, एक वैसलीन का डब्बा भी रख लेना, मैं हमेशा रखता हूँ। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं टैनिंग में लाइन लग गया, देर होने लगा, आपका कॉलिंग आ गया, तो अगर एक दिन का आप टैन लगाए भी हो ना, उसके ऊपर भी अगर आप वेस्टलिन लगा के स्टेज पे चढ़ जाओगे तो बहुत अच्छे से आप दिखोगे। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, अपना एनपीसी का रजिस्ट्रेशन करा लो, अपना जो शो है जिस कैटेगरी में खेल रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, बोर्ड शॉट ले लो, क्लासिक में खेल लो क्लासिक का शॉट ले लो, टेरा बैंड ले लो, वेस्टलिन ले लो, टैनिंग के लिए बुक कर लो, खाने पीने का सामान ले लेना, पीछे जाके परेशान मत होना, दूसरे से मत मांगना, और अच्छे से पोजिंग करो, मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ लव, और सी यू देयर। मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।